जा चाय लेकर आ। तू भी चलना साथ में। जा लेकर आ। चाचा दो चाय देना। चाय पहले मैंने ऑर्डर किया था। ऑर्डर किया तो तेरा हो गया क्या? बार बार मेरे बीच में आ जाता है। बीच में आने की आदत है मेरी। चल निकल। डर क्यों रहा है? मार कान के नीचे। ओए आज तो सूरज के कहने तुम लोग को पीटी दिया होता, पता ना ड्रग्स के कितने बड़े डीलर हैं वो लोग। दोस्त है मेरा, मेरे सामने कोई इसको मारे और मैं देखता रहूं। चल छोड़ सब बातों को, उस लफड़े में तुम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों रे, तूने बताया नहीं तेरे साथ कितना बदतमीजी कर रहे थे वो लोग? चल छोड़ सब बातों को, अगली बार भिड़ेंगे तो बताएंगे उन सब लोगों को। हेलो, हाँ क्या हुआ? मम्मी का तबीयत खराब है, इसी टाइम आना पड़ेगा। ठीक है भाई, तब मैं चल रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। चल भाई, रात ज्यादा हो गया है, चलता हूँ। डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। गुड नाइट।
कौन था ये तुम्हारा? दोस्त है मेरा। अच्छा, लास्ट बार बात कब किए थे? कल रात में। ठीक है, बॉडी को जांच के लिए भेज दो। मुझे पता है ये जरूर सूरज के गैंग का काम है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। पागल हो गया तुम? कभी तो तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं आता तुमको? भाई था मेरा वो, मेरा भी तो दोस्त था ना, मैं भी तो शांत बैठा हूँ, तो क्या करूँ, छोड़ दू जाना तो ऐसे ही। जो गेम उन लोगों ने स्टार्ट किया था, अब मैं करूंगा। हाथ छोड़ मेरा। अरे छोड़ो, उस सब लफड़े में मत पड़ो तुम। रुक, थोड़ा शांत हो जा, इस सब लफड़े में मत पड़ो तुम। नहीं भाई, पुलिस को। तू जा, मैं देख लूंगा। एक छोटा काम भी नहीं होता तुम लोगों से, अगर मैं वक्त पे नहीं आता और ये पुलिस के पास पहुंच जाता तो हम लोग कल जेल के अंदर चक्की पीस रहे होते। तुम्हें पता है ना ये काम हम लोग छिप के करते हैं, आइंदा से ध्यान रखना। अब मेरा मुंह क्या दिख रहे हो, जाओ इस लात को ठिकाने लगा दो। अभी मामला शांत नहीं हुआ है, अभी एक और जा रहा है, उसको भी ठिकाने लगा दो। मेरे धंधे के बीच में कोई भी आएगा सबको टपका दो। देख के चल। सॉरी भाई।